नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं पिक्सल एक्सटेंडेड कस्टम रॉम के बारे में। रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S लैवेंडर के लिए पिक्सल एक्सटेंडेड का जो 4.1 ऑफिशियल एंड्रॉइड 12 का जो रॉम है यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के ऊपर हम पिक्सल एक्सटेंडेड का जो रॉम रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना। देख पाओगे यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है पिक्सल एक्सटेंडेड का कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर पिक्सल एक्सटेंडेड का जो वर्जन है देख पाओगे 4.1 है। एंड यहाँ पर 5th जनवरी 2022 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। एंड 4.4 पीडिएटेड स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल को यूज किया गया है इस रॉम के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 के साथ क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स मेनू के ऊपर। आपको यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर एंड यहाँ पर सिस्टम के ऊपर, गेस्ट्स के ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू चेक फोन। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो टाइम रहेगा, जो नोटिफिकेशन रहेगा, उस सब चेक कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ टाइम एंड नोटिफिकेशन से उस सब चेक कर पाओगे। अगर आप सिंपली डबल टैप करोगे आपके फोन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो है नोटिफिकेशन एंड जो टाइम है उसे आप चेक कर पाओगे। ये जो ऑप्शन है रेडमी नोट 7 के साथ काम कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो डबल टैप टू वेकअप का फीचर है, इसे भी ऐड किया गया है, उसे भी फिक्स किया गया है। सिंपली यहाँ पर आपको जाना होगा डिस्प्ले के ऊपर एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देने को मिलेगा डबल टैप टू वेकअप। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप फोन की स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है उसको वेकअप होगा। तो इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो वॉल बार है उसको सेट नहीं हो रहा था, उसे भी फिक्स किया गया है। अभी आप लॉक स्क्रीन के ऊपर जो वॉल बार है उसे भी आप सेट कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो आप लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लॉक देख पा रहे हो, इसे आप चाहो तो यहाँ पर स्मॉल क्लॉक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको जाना होगा यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाके यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मॉल क्लॉक का ऑप्शन, तो इसे एनेबल करना होगा। इसे एनेबल करने के बाद आप लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक है उसे आप चाहो तो यहाँ पर स्मॉल भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले में जाना होगा। यहाँ पर आपको जो है थीमिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है अलग अलग आइकॉन पैक, आइकॉन शेप को आप ऐड कर पाओगे। तो ये जो डिस्प्ले के ऊपर थीमिंग का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 के साथ। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर आपको कोई भी बग देने को नहीं मिलेगा और भी स्मूथ एंड बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देने को मिलता है। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट आप देख पाओगे यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर सिस्टम के ऊपर जो OTA अपडेट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर आप जो है OTA अपडेट को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पिक्सल एक्सटेंडेड के साथ जो है OTA अपडेट भी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर OTA अपडेट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो और भी कुछ कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो जाएगा विदाउट रूट, विदाउट मैजिक जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बाय डिफॉल्ट जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो जाएगा इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर आपको जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ढेर सारी आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जो यूजफुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो सर्च बार के ऊपर कौन कौन सी आइकन को दिखाना चाहते हो उसके लिए आपको ये ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का ऑप्शन है। वॉल्टी आइकन को आप जो है ऑन ऑफ कर पाओगे। अलग अलग जो वॉल्टी आइकन है, जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे MIUI 11 का, ऑक्सीजन ओएस का, अलग अलग जो वॉल्टी आइकन है आप सिलेक्ट कर सकते हो। इवन जो वो वाईफाई का आइकन है उसे भी आप चेंज कर पाओगे। अलग अलग जो आइकन स्टाइल है आपको यहाँ पर देने को मिलता है। ऑक्सीजन ओएस, आसूस, मोटोरोला, अलग अलग ऑप्शन है। वीवो का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर आपको टैप टू स्लिप का ऑप्शन है इसके साथ जो है। सिंपली अगर आप यहाँ पर डबल टैप करोगे आपको जो फोन है तो यहाँ पर स्लिप मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल का भी ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट जो बैटरी स्टाइल है इसे आप ऐड कर पाओगे। बैटरी एस्टिमेट का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज को ऐड कर पाओगे। क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, सिंपली इस ऑप्शन के साथ जो है आप जल्दी से जो नोटिफिकेशन है उसे ओपन कर पाओगे। प्लस जो टॉगल है उसे आप ओपन कर सकते हो। एंड ब्राइटनेस कंट्रोल, सिंपली ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर जो ब्राइटनेस है वो चेंज हो जाएगा। तो सिंपली सर्च बार के थ्रू जो है ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्राइटनेस स्लाइडर। तो यहाँ पर ढेर सारी ऑप्शन है, जो ब्राइटनेस स्लाइडर का बटन है उसे बंद कर सकते हो। प्लस ये सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर। बात कर लेते हैं अब लॉक स्क्रीन के बारे में। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है। जो मीडिया आर्ट है उसे भी आप चाहते हो दिखा सकते हो। प्लस यहाँ पर जो चार्जिंग इन्फो है उसे भी आप बंद करने का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस ऑप्शन के साथ। सिंपली अगर आप लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है तो यहाँ पर स्लिप मोड में चला जाएगा। यहाँ पर गेस्टर्स का जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन गेस्टर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो नेविगेशन बार है उसे आप चाहते हो हाइड कर पाओगे। प्लस यहाँ पर इस रॉम के साथ जो इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है।
एंड यहाँ पर जो एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया है। सिंपली आप देख पाओगे यहाँ पर टैप करके जो है पावर मेनू में टैप करके यहाँ से डायरेक्टली आप रिकवरी एंड बूट लॉडर के ऊपर बूट कर पाओगे। प्लस यहाँ पर जो एडवांस रिबूट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इवन यहाँ पर जो टॉर्च लाइट है उसे इनेबल करने के लिए ये जो ऑप्शन इसे ऐड किया गया है। तो यहाँ पर टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ, तो ये जो ऑप्शन है काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ आप जल्दी से आपके फोन के ऊपर जो टॉर्च लाइट है उसे इनेबल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस पावर बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पर पावर बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली फोन के ऊपर जो फ्लैश लाइट है उसको इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम कीज है उसके साथ जो है गाना को भी आप चेंज कर पाओगे। प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है वॉल्यूम कीज के साथ जो है, यहाँ पर फोन को वेकअप भी कर सकते हो, यहाँ पर इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस जो फिंगरप्रिंट सक्सेस वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट इलर्ट वाइब्रेशन इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर 5 to 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा इस के साथ। यहाँ पर जो एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एडेप्टिव चार्जिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर से जो है टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है आपको अलग से सेटिंग्स में जाके एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है लगभग 5 to 6 आवर के आसपास है, जो कि काफी सही है। तो आपको एंड्रॉइड 12 के साथ जो है ऑलमोस्ट सभी जो है सभी रॉम के ऊपर सिमिलर जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। तो बैटरी बैकअप के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है, बैटरी बैकअप इस रॉम का काफी बढ़िया है। डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपकी यूजर्स के ऊपर। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है लगभग 5 to 6 आवर के आसपास है, जो कि काफी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख पाओगे साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को जो है एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है इसे ऐड नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। सिम वन एंड सिम टू के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मल्टी सिम के लिए अलग अलग जो रिंगटोन को सेट करने का जो ऑप्शन इसे ऐड किया गया है। सिम वन एंड सिम टू के लिए अलग अलग जो रिंगटोन है यहाँ से सेट कर पाओगे। लाइव कैप्शन के ऊपर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए आपको यहाँ पर जो लाइव कैप्शन का फीचर से इसे भी ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। एडेप्टिव साउंड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 के साथ जो एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। काम भी करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को आप चाहो तो ऐसे बंद कर सकते हो। एंड देख पाओगे ये सभी ऑप्शन से जो एमआई का साउंड एनर्जर है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उसे बंद नहीं कर सकते हो। यहाँ पर टास्क साउंड एंड जो चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन स्क्रीन लॉकिंग साउंड प्लस जो ये सभी जो साउंड है सब बंद कर सकते हो, बट यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनर्जर है अवेलेबल नहीं है। एंड जो स्क्रीनशॉट का साउंड है उसे भी बंद नहीं कर सकते, उस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेकअप ऑन गेस्चर्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है आपको देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डार्क थीम जो है ये भी काम करता है। एंड यहाँ पर शेड्यूल करने का जो ऑप्शन है डार्क थीम को इसे भी ऐड किया गया है, ये भी काफी बढ़िया काम करता है। तो इस रॉम के साथ जो नाइट लाइट फीचर से ये भी काम करता है, जो डार्क थीम है ये भी काम कर जा रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एंड कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ऑटो रोटेशन के ऊपर जो फेस है उसे आप यूज कर सकते हो। डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग जो डिस्प्ले के ऊपर जो थीमिंग का ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर जो मॉनिटर का सपोर्ट है यहाँ पर ऐड किया गया है। वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है इसे ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो मॉनिटर है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो अलग अलग जो वॉलपेपर कलर है देने को मिलेगा, अलग अलग जो नोटिफिकेशन शेड है इसे ऐड किया गया है। प्लस जो बेसिक कलर है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो थीम आइकॉन का फीचर है इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो थीम आइकॉन का ऑप्शन से काम करते हैं, जो कि काफी सही है। इस अपडेट के साथ जो है मॉनिटर को इम्प्रूव किया गया है। आपको यहाँ पर अलग अलग जो नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 के साथ जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिलेगा, जो मॉनिटर का सपोर्ट है यहाँ पर काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के बारे में। तो पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 के साथ साउंड एम्पलीफायर, साउंड नोटिफिकेशन एंड जो ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो ये सभी ऑप्शंस को आप यूज कर पाओगे। देखिए बड़ो साउंड एम्पलीफायर के ऊपर ये सभी ऑप्शन है, प्लस साउंड नोटिफिकेशन के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सभी ऑप्शंस को आप यूज कर पाओगे इस स्टॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। ऐप लॉकर एंड जो फेस अनलॉक है एंड्रॉइड 12 के साथ अवेलेबल नहीं है। एंड ये जो बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको सिंपली जो है यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। तो देखते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए पड़ो बहुत ही फास्ट यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। एंड यहाँ पर जो रैपिड एनिमेशन का सपोर्ट है यहाँ पर ऐड किया गया है। देखिए पड़ो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है। तो इस रॉम के साथ जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। फेस अनलॉक एंड जो ऐप लॉकर है अवेलेबल नहीं है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देने को मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन।
कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है, एंड्रॉइड 12 के साथ जो प्राइवेसी है उसे इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन आपका लोकेशन कैमरा का जो एक्सेस पूछ रहा था, तो यहाँ पर जो लोकेशन है ये भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। बाकी सिस्टम की अगर बात करें देखिए पर ये सभी ऑप्शन है। यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का जो फीचर है इसे ऐड किया गया है, जो कि पिक्सल सिक्स प्रो के ऊपर ऐड किया गया था, तो यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है ये भी काम कर रहा है। नेक्स्ट गेस्चर्स के ऊपर देख पाओगे क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन से काफी यूजफुल है, इसके साथ आप जल्दी से जो है कैमरा एप्लीकेशंस को ओपन कर पाओगे। सिंपली यहाँ पर जो क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर ऑन किया है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे, पावर बटन को डबल प्रेस करने के साथ साथ जो कैमरा एप्लीकेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अगर आप पावर बटन को डबल प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 बटन नेविगेशन एंड 3 बटन नेविगेशन से प्लस जो गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। 1 हैंडेड मोड को ऐड किया गया है, सिंपली जो है यहाँ पर 1 हैंडेड मोड का यूज कर पाओगे। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के साथ जो 1 हैंडेड मोड है इसे ऐड किया गया है, प्लस जो नोटिफिकेशन है उसे आप ओपन कर सकते हो, एंड यहाँ पर 1 हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ जो 1 हैंडेड मोड है इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, इसे भी ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12 के साथ, एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। सिंपली अगर आप चाहो तो गेस्चर्स को यूज करके स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे, आपको डबल टैप टू चेक फोन का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो शाओमी पार्ट्स का ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एमआई का जो साउंड एनालाइजर है अवेलेबल नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ काम करता है, हॉटस्पॉट काम करता है, मोबाइल डेटा काम कर रहा है, फ्लैश लाइट काम करता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करता है, एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन काम करता है, नाइट लाइट काम करता है, यहाँ पर जो डार्क थीम है ये भी काम करता है, लोकेशन भी काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जा रहे हैं इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है, तो आपको काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर जो 3DMark का स्कोर है 366, एंड देख पाओगे यहाँ पर 3DMark के साथ वाइल्ड लाइफ के साथ जो स्कोर हमें देने को मिला है रेविनोट 7 का काफी बढ़िया है। Geekbench 5 के साथ सिंगल कोर के साथ 329, मल्टी कोर के साथ 1407 का जो स्कोर देने को मिला है Geekbench 5.4.4 के साथ, एंड यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर आप देख पाओगे एवरेज से ज्यादा है, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों के ऊपर जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है, तो परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया देने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेफ्टीनेट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पास हो गया है, मतलब गूगल पे फोन पे सर के जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, इसके लिए आपको अलग से रूट और मैजिक स्विच नहीं करना होगा, तो यहाँ पर जो सेफ्टीनेट है बाय डिफॉल्ट पास हो गया है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। लगभग 5 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रोइंग टेस्ट हमने यहाँ पर रन किया था, मैक्स गया है 144, एवरेज है 138, मिनिमम है 131, यहाँ पर 94% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिला है, मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है। रेविनोट 7 जो है नॉर्मली 140 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देने को मिलेगा काफी स्टेबल है, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरा टू एपीआई के बारे में, तो यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के ऊपर जो है लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिलेगा, जीकैम यहाँ पर काम करेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम करता है। कैमरा गो की अगर बात करें तो देखिए पड़ो यहाँ पर जो है कैमरा गो एप्लीकेशन जो है ये भी काम करता है, तो जीकैम गो यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए पड़ो यहाँ पर जीकैम गो काम करता है। यहाँ पर हमने जीकैम 8.4 को इंस्टॉल किया है, गूगल कैमरा 8.4 यहाँ पर काम करता है, तो ये जो गूगल कैमरा है इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर गूगल कैमरा 8.4 काम करता है, कैमरा गो भी काम कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी काम करता है, वीडियो भी काम करता है, नाइट साइड मोड जो है ये भी काम कर जा रहा है, तो यहाँ पर जीकैम 8.4 का ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन काम करता है, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो, कैमरा, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो काफी बढ़िया बात है, तो आप जीकैम को भी ट्राई करके देख सकते हो इस रॉम के ऊपर। एंड ओवरऑल अगर आप चाहो तो यहाँ पर पिक्सल एक्सटेंडेड 4.1 को फ्लैश कर सकते हो अपने रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर, आपको काफी स्मूथ एंड बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। एंड यहाँ पर जो लेटेस्ट कस्टम रिकवरी अवेलेबल है TWR रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का आप यूज करके इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। एंड इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको सिंपली क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।